हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विजुअल क्लास है यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे आज भीमराव अंबेडकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और जानेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और उन्होंने कहाँ जन्म लिया था, उनके पिता का नाम, उनके द्वारा किए गए कार्य, सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि जो हर नया वीडियो है उसकी डेटा आपको सबसे पहले मिले, और लाइक भी कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन एक के साथ शुरू करेंगे। क्वेश्चन एक है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो वो था मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में, और हाल उनके पिता है महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले से बिलोंग करते हैं। जो उनका गाँव था वो पुराना गाँव था, आबडवे गाँव के निवासी थे। कहाँ के? आप डवे गांव जो है वहाँ से के बिलोंग करने वाले थे, और इनका जन्म हुआ था वो हुआ था महुआ मध्य प्रदेश में, जबकि इनके पिता पुराने कहाँ के थे? महाराष्ट्र रत्नागिरी के जिले के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दो, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था इनका जन्म? वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, वो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश महुआ में। और अब अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला तीसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन तीन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? भीमराव जो अंबेडकर है उनके पिता का क्या नाम था? तो उनका नाम था रामजी मोलजी सकपाल, और उनकी माता का नाम था भीमा बाई। क्या नाम था? भीमा बाई। भीमा बाई। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की जो है 14वीं संतान थे। अगला देखें। क्वेश्चन चार, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? तो आपको बताना कि जो ये कथन दिए गए हैं चार, उनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो है देखेंगे, भीमराव का लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रम्माबाई के साथ करा दी गई थी, तो यह सही है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने एल्टन यंग कमीशन के को प्रस्तुत किए थे, ये भी सही है। वे स्वतंत्रता भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री भी थे, ये भी सही है। उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया, ये गलत है, ये सही नहीं है। हम सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़कर जो है सभी ऑप्शन सही है। अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था, ना कि 1965 में। कब अपनाया था? 1956 में, 1956 में, ना कि 65 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन चार, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो कब दे दिया गया था? 1990 में। कब दिया गया था? 1990 में। और डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया था। किसकी सरकार थी उस टाइम? विश्वनाथ प्रताप की, विश्वनाथ प्रताप की जो है सरकार थी उसमें, तो उन्हें 1990 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन छः, डॉक्टर अम्बेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? क्या नाम है? तो है चैत्य भूमि। क्या है? चैत्य भूमि। राइट आंसर आपका बी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे? ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है चैत्य भूमि, जो समाधि स्थल है उनका। अगला देखें। क्वेश्चन सात, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? तो किसका नहीं किया था? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, या ललित शोषित समाज संघर्ष समिति? तो इनमें से वह दलित शोषित समाज जो संघर्ष समिति है, उसका गठन अम्बेडकर ने नहीं किया था। दलित जो शोषित समाज संघर्ष समिति है, उस नामक पार्टी का गठन डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं किया था, बल्कि काशीराम ने किया था। किसने किया था? काशीराम ने, इसका काशीराम ने किया था, बाकी का अम्बेडकर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आठ, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे? तो किसके थे? वो थे प्रारूप, जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे।
भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति की 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण हेतु 7 जो सदस्यीय प्रारूप समिति उसका गठन किया गया था, उसके वो अध्यक्ष थे। कब हुई थी उसका गठन? 29 अगस्त को 1947 वो उसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति। अगला देखें क्वेश्चन 9, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा था? तो डी गांधी, नेहरू और टैगोर, जिसका उन्होंने नहीं लिखा था। बाकी पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपयों की समस्या, उद्योग और समाधान, इस जो किताबें हैं वो लिखी थी डॉक्टर अंबेडकर ने, जबकि गांधी, नेहरू और टैगोर ये इन्होंने नहीं लिखी थी। इनमें जो रुपये की समस्या, उद्योग और समाधान और जाति का उच्छेद उनकी प्रसिद्ध जो है किताबों में से एक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 10, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर सी। उन्होंने 20 मार्च 1927 को, कब? 20 मार्च 1927 को मांड शहर में अछूत समुदाय को भी शहर के चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैकेट के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा है जो सही नहीं है? तो है पूना पैकेट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, तो ये सही नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ए। ये 1934 को नहीं, 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 को, 1932 को हुआ था ये। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जो साहब है भीमराव अंबेडकर ने मेमन से रोते हुए पूना पैकेट पर हस्ताक्षर किए थे, और जो बाकी थे वो कथन उनके बारे में, पूना पैकेट के बारे में वो सही है, वो आप पढ़ लेंगे। अगले देखें क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने लिया था? वो लिया था डॉक्टर अंबेडकर ने। किन्होंने? डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन 13, द प्रॉब्लम ऑफ रुपए इज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक थे बी आर अम्बेडकर। ये उनकी प्रसिद्ध जो है किताब थी। इस किताब के लेखक हैं अंबेडकर थे। इस किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक थी। आज भी ये भारत में बेस्ट सेलिंग बुक में गिनी जाती है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? तो किसने की थी? वो की थी डॉक्टर अंबेडकर ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में की थी। कब की थी? 1924 में। अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में 1924 में इसकी घटना की गई थी, स्थापना की गई थी। अगला देखें क्वेश्चन 15 और आखिरी, उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। देख लेते हैं क्वेश्चन 15 और आखिरी, निम्न में से किस कौन सी पत्रिका डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू नहीं की थी? कौन सी शुरू नहीं की थी? तो है सरस्वती। जो सरस्वती, इसकी शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, ये सभी डॉक्टर अंबेडकर की शुरू की पत्रिका हैं। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी जो है 5 पत्रिकाएं निकाली थी, जबकि सरस्वती है ये इन्होंने नहीं निकाली थी। उम्मीद करेंगे आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो हर नया वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर और जो अन्य टॉपिक है उसके वीडियो मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।